पता है अब तो ट्रेन समुद्र के अंदर भी चलेगी। तो भारत में जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है वो तो तेजी से भाग रहा है, ये तो सबको पता है। पर अब भारत में समुद्र के नीचे सुरंग बनाने की तैयारियां चल रही हैं, वो भी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। तो मतलब कुछ सालों में बुलेट ट्रेन चलाने के लिए अंडर सी टनल जो है वो बन कर तैयार हो जाएगी। सो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने ट्वीट करके सारी जानकारी दी, सारी फोटोज पोस्ट की, डिटेल्स पोस्ट की। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी ट्वीट करके जानकारी दी। ट्वीट में बताया गया है कि ये सुरंग अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का हिस्सा रहेगी। बुलेट ट्रेन इस सुरंग में 300 km पर आर की रफ्तार से गुजरेगी। ये सुरंग एक सिंगल ट्यूब में होगी। ट्रेन की लंबाई होगी 21 किलोमीटर, जिसमें से 7 किलोमीटर ये समुद्र के अंदर से गुजरेगी। टनल में दो ट्रैक होंगे, एक आने और एक जाने वाली ट्रेनों के लिए। समुद्री सुरंग के आसपास 37 स्थानों पर 39 उपकरण कमरे भी बनाए जाएंगे। ठाणे की खाड़ी में 7 किलोमीटर लंबे इस टनल को बनाए जाने के लिए टेंडर्स जारी कर दिए गए हैं। बोलियां जमा करवाने की लास्ट डेट है 29 जनवरी 2023। रेलवे मिनिस्ट्री को उम्मीद है कि साल 2026 में गुजरात में 50 किलोमीटर के रूट पर बुलेट ट्रेन का पहला ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। मतलब 2022 चल रहा है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है 2023 2024 2025 2026। 4 साल बाद आपको समुद्र के अंदर से जाने का मौका मिलेगा। इस पे पूरी राय क्या है आपकी, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।